नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं रिलायंस जी और वोडाफोन आइडिया ये दो कंपनी को साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा। दो कंपनी को साइड बाय साइड कंपेयर में इसी कारण से कर रहा हूं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं मेनली पोस्टपेड कनेक्शंस के बारे में बताऊंगा। अगर आपके मंथली कॉस्ट मेनली 700 रुपये के आसपास है और अगर आप सबसे ज़बरदस्त पोस्टपेड कनेक्शन ढूंढ रहे हैं तो ये दो कंपनी को कंपेयर करना काफ़ी ज़्यादा जायज़ है क्योंकि भारत के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो टोटल पोस्टपेड ग्राहक बेस है वो सबसे ज़्यादा है। भारत के अंदर जियो कंपनी काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, एयरटेल कंपनी भी अच्छे खासे परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन पोस्टपेड सेगमेंट के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी किसी को भी टक्कर दे सकते हैं। सबसे ज्यादा पोस्टपेड ग्राहक वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर है। तो लोग आखिरकार वोडाफोन आइडिया कंपनी के सिम कार्ड या पोस्टपेड सर्विस अभी तक यूज क्यों कर रहे हैं क्योंकि आज के डेट के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो 5G सर्विस है वो भी लॉन्च नहीं हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर मैं 700 रुपए के आसपास जो यहां पर प्लान्स दोनों कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रही है मैं साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा और इसके बारे में आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएंगे कि क्यों यहां पर वोडाफोन आइडिया कंपनी के ग्राहक मतलब पोस्टपेड ग्राहक इतना ज्यादा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं जियो कंपनी की बात करता हूँ तो जियो पहले से ही अपने प्रीपेड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। पिछले 2 साल के अंदर जियो कंपनी अपने प्रीपेड के साथ अपने पोस्टपेड सर्विसेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। अभी जियो कंपनी को पता है कि उनका अगर ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स बढ़ाना है तो डेफिनेटली पोस्टपेड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा और इसी कारण से जियो कंपनी की तरफ से रिसेंटली बहुत सारे पोस्टपेड प्लान को लॉन्च किया गया है। अभी जियो कंपनी के अंदर जो पोस्टपेड प्लान है 700 रुपये से नीचे 699 रुपये वाला प्लान, इस पोस्टपेड कनेक्शंस के अंदर जियो कंपनी की तरफ से आपको जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है वो काफ़ी ज़बरदस्त है लेकिन वोडाफोन आइडिया को टक्कर नहीं दे पा रहे। फॉर एग्जांपल, आप जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो अगर 5G एनेबल्ड डिवाइस है, आपके एरिया के अंदर अगर 5G आ चुका है तो आपको अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप 4G डिवाइस यूज़ कर रही है, ये भी हो सकता है कि आपके एरिया के अंदर जियो 5G अवेलेबल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको 100 GB का डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है विथ अनलिमिटेड कॉल दिन में 100 SMS। यही पर ही नहीं, अगर आप चाहें 3 एडिशनल सिम कार्ड को उस पर्टिकुलर कनेक्शन के साथ ऐड करना तो कर सकते हैं, लेकिन हर एडिशनल सिम कार्ड के लिए आपको 99 रुपये खर्च करना होगा। जहाँ पर जो एडिशनल सिम कार्ड आपको मिलेंगे वहाँ पर आपको हर एक के ऊपर अनलिमिटेड कॉलिंग दिन में 100 SMS और 5 GB टोटल डेटा महीने के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे OTT बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर मैं OTT बेनिफिट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स के मोबाइल सब्सक्रिप्शन, अमेजन प्राइम, जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो क्लाउड के सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो प्राइमरी कनेक्शन आपको दिए जा रहे हैं वो प्राइमरी कनेक्शंस के ऊपर। यहाँ पर अगर मैं डेटा की बात करता हूँ तो 4G के ऊपर आपको 100 GB डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप जियो 4G को यूज़ करते हैं तो 100 GB डेटा, अगर आप 5G को यूज़ करते हैं तो अनलिमिटेड डेटा आपको मिल जाएंगे जियो कंपनी की तरफ से। तो 699 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान के साथ आपको यही बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि अगर आप वोडाफोन आइडिया के सिम कार्ड को लेना चाहते हैं इसी प्राइस पॉइंट के अंदर तो उसके अंदर क्या कुछ प्राइस अवेलेबल है। देखिए, VI MAX 701 यानी 701 रुपये वाले जो प्लान है उसे आप ले सकते हैं, पोस्टपेड प्लान ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी अभी तक तो अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च नहीं किया है, लेकिन 4G के ऊपर वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से आपको ट्रूली अनलिमिटेड डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है और इसी कारण से ये पर्टिकुलर प्लान बहुत सारे लोगों का वन ऑफ द फेवरेट प्लान है। ट्रूली अनलिमिटेड 4G डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है विथ अनलिमिटेड कॉल और दिन में 100 SMS। यहीं पर ही नहीं, आपको अमेजन प्राइम वीडियो के सब्सक्रिप्शन 6 महीने के लिए, डिजनी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन पूरे 1 साल के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, VI मूवीज एंड टीवी के सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, सोनी लिप का सब्सक्रिप्शन 2 महीने के लिए, सननेक्स, स्विगी, इजी डिनर, नोटन और इजी माई ट्रिप का सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 701 रुपये वाले प्लान के साथ। तो इसी कारण से आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो पोस्टपेड ग्राहक है उसका अमाउंट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया कंपनी आपको प्रोवाइड कर रहा है ट्रूली अनलिमिटेड 4G डेटा। ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। तो दोस्तों, मैंने पूरा डिटेल्स आपको समझा दिया, इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कौन सा कंपनी के सिम कार्ड को यहाँ पर यूज़ करना चाहेंगे। यही सारे अपडेट्स हमारे पास निकल कर आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे उस समय ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।